दोस्तों, माय नेम इज शायालम, आई एम फ्रॉम इन्वेस्टको इंफोटेक। दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आपके सामने यमुना एक्सप्रेसवे पर होम एंड सोल का एक प्रोजेक्ट लेकर, जिसका नाम है बीटल लैब। जो आप मैं देख, ये बीटल लैब की साइड है, बिल्कुल रेडी टू मूव है और फिनिशिंग पे काम चल रहा है ऑलरेडी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, लेबर ऑलरेडी काम कर रही है, अंदर से काम की आवाज़ आ रही है। इसका पोजीशन ऑफर कर दिया बिल्डर ने, और यहाँ पर 2 और 3 BHK है, बड़ी बड़ी बालकोनियाँ हैं, फुल लग्जरी प्रोजेक्ट बनाया है ये। और दोस्तों, इसके एक तो फ्रंट में ये रोड आता है, और सामने अगर आप ट्रैफिक चलता हुआ देख रहे हैं तो ये एक एंट्रेंस वहाँ से आती है जो ईस्टर्न पेरीफाई है, कुंडली परवर मानेसर। ये एंट्रेंस है बीटल लैब का। दोस्तों, ये लैंड जेपी से लिया था, जेपी से विस टाउन से, जैसा आप देख रहे हैं ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। और ये फुल लग्जरी अपार्टमेंट है, जिसकी बालकोनियाँ ऑलरेडी बड़ी हैं, बहुत मज़ा यहाँ पर आने वाला है, रहने के लिए बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें तो क्लब है, म्यूजियम है, जिम है, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, जिम वगैरह का। ये देखो, ये देखिए, इस तरीके से बनाया दोनों टावर। ये बालकनी देखिए, अब इस फ्लैट की दोस्तों ये बालकनियाँ देखिए। मतलब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर तकरीबन 2 और 3 BHK है और फुल लग्जरी बनाया है। और अगर मैं इधर की बात करूँ, ये शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ट्रक गाड़ियाँ जा रही हैं, ये ईस्टर्न पेरीफाई रोड है। इन फ्यूचर एक एंट्री इसकी यहाँ से भी हो जाएगी, अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन आने वाले टाइम में एक एंट्री एग्जिट इसका यहाँ से भी होगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है होम एंड सोल, अगर आपने सुना होगा, मिस्टर हनी कतियाल इज द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वो ये प्रॉपर्टी लैंड जेपी से लिया है, जिसका 100% अमाउंट पेड है, और फुल लग्जरी प्रोजेक्ट है, होम एंड सोल का सबसे पहला प्रोजेक्ट ये है। उसके बाद अगर मैं उसके कमर्शियल की अगर मैं बात करूं, तो उसका कमर्शियल बी ब्लूवर्ड वॉक के नाम से नोएडा एक्सटेंशन में चल रहा है। और एक लग्जरी प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो पेस्ट्री के नाम से परी चौक पर है, जो जेपी ग्रीन है, उसके अंदर पेस्ट्री के नाम से थर्ड प्रोजेक्ट है इसका। दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। ये इसमें मैं आपको 3 BHK का जो साइज है, इसमें जो 3 BHK का साइज है 1705, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेके चलता हूँ आपको सैंपल फ्लैट 1705 दिखाने के लिए। ये दो लिफ्ट हैं दोस्तों, ये सैंपल है, ये 1705 स्क्वायर फिट का साइज है। ये एंट्रेंस है, और ये ड्राइंग एरिया है। इसके साथ एक बेडरूम है, अलमीरा, स्लाइडिंग दोनों तरफ है, ये आई थिंक हर रूम में होंगी। और ये वॉशरूम है, इसके साथ एक बेडरूम के साथ ऑलरेडी बालकनी है, बालकनी। वापस आया तो ड्राइंग एरिया के पास, ये हमारा डाइनिंग एरिया हो गया, और ये हमारा किचन है, किचन के साथ भी यूटिलिटी बालकनी है। ये पूरी रनिंग बालकनी है, जो रूम्स, किचन और हर बेडरूम से कनेक्ट है। एक वॉशरूम ये आ गया, जो जिसे मैं कॉमन वॉशरूम कह सकता हूँ।
एक बेडरूम इधर आ गया, इसमें खाली अलमीरा है और इसमें वॉशरूम नहीं है। ब्यूटीफुल, ये मास्टर बेडरूम है, इसमें वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है और वॉशरूम भी है इसमें। मास्टर बेडरूम, ये वॉशरूम है। और अब मैं लेके चलता हूँ बालकनी की तरफ। दोस्तों ये बालकनी है इस फ्लैट्स की, और सबसे अच्छा जो है ये देखिए, यहाँ पर आप अपना ग्लास लगा सकते हैं कि दूसरा बंदा यहाँ ना आए। और ये पूरी रनिंग बालकनी है। ओके, ये दोस्तों ये है बीटल लैब यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो ह्यूमन सोल का पहला प्रोजेक्ट था। इसके बाद मैं अगर मैं बीटल लैब की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे अच्छा यूएसपी पॉइंट ये है कि सामने आपको ईस्टर्न पेरीफाई रोड मिल जाता है। जो आप ये देख रहे हैं, ये ईस्टर्न पेरीफाई रोड है, और आने वाले इन फ्यूचर में इसका एक रास्ता उधर से आगे से ओपन होने वाला है। तो अगर आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, आप सीधा ईस्टर्न पेरीफाई रोड पर कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। ये पहली सोसाइटी है यमुना एक्सप्रेसवे की जो जो रेडी टू मूव है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके सामने आता रहूँगा, आपका भाई शाहे। और इसके बाद मैं आपको, अगर आपकी कोई भी क्वारी हो, कोई भी इस प्रोजेक्ट रिलेटेड या किसी और प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैसेज करें। और जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9711-49660 पर। और दोस्तों जो इन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।